बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या इसको दूसरा नाम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी हम बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास 9th क्लास में भी मौजूद है, 9th क्लास की केमिस्ट्री में, और फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक प्रेजेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है और ये किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम इसके ट्रेंड्स देखेंगे कि हम पीरियाडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या है, लॉन्ग ग्रुप्स यानी लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एनर्जी है, नाम से पता चलता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल of a gaseous atom to form gaseous positive आयन। और गैशियस पॉजिटिव आयन को हम केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहते हैं, केटाइन भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन को हम एनायन कहेंगे और पॉजिटिव आयन को हम केटाइन कहेंगे। तो ये हमारे पास वो एनर्जी है जो कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे किसी एटम से, लेकिन शर्त ये है कि वो एटम क्या हो, वो गैशियस स्टेट में मौजूद हो। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और वो जब रिमूव होगा तो उस गैशियस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों? बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन द एटम कैन गेन पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इट विल हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये हमारे पास गैशियस की हम क्यों बात करते हैं, इसकी क्या रीज़न है कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये ओनली गैशियस स्टेट की बात कर रहे हैं कि ये क्यों, ये क्या वजह है, वाई नॉट फॉर लिक्विड्स एंड वाई नॉट फॉर सॉलिड्स। कि हम यहाँ पे ये कह दें कि रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इट मे बी इन सॉलिड फॉर्म, इट मे बी इन लिक्विड फॉर्म, और इट मे बी इन गैशियस फॉर्म। वाई नॉट इन गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड कंजेक्टिवली रिस्पेक्टिवली, ओनली गैशियस एटम हम क्यों कहते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सॉलिड को, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हीट प्रोवाइडेड टू इट, इट विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट दिस सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे जो एनर्जी आप इसको देंगे। दूसरा, अगर हम लिक्विड को एनर्जी देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी और दिस अमाउंट ऑफ हीट विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट दिस लिक्विड इनटू गैशियस स्टेट। इसको बॉयल करेगा और इसको किस स्टेट में लेके जाएगा, गैशियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। नाउ जब हम इसके बाद डेल्टा एच या एनर्जी या हीट प्रोवाइड करेंगे गैशियस एटम को, तो उसका काम क्या होगा, उसका काम ये है कि इस गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर लें। ठीक है, सॉलिड में से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अपने जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ब्रेक होंगे, और जब वो ब्रेक होंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। फिर लिक्विड स्टेट में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगेन इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देन द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैशियस स्टेट। नाउ देयर आर वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैशियस पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर।
ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैशियस पॉजिटिव आयन। नाउ बेसिकली दिस हीट और दिस एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगली बारी हमारी है दूसरा। इसके बाद मैं जाता हूं एक और टॉपिक पे कि हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये क्या कहलाएगा। ऐसे ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल में, मैंने आपको बता दिया बात कि आयनाइजेशन एनर्जी में या आयनाइजेशन पोटेंशियल में ये क्या चीज़ है, दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इट मींस कि आपने देनी है एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब इसको चाहिए, आपने इसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये इटसेल्फ कौन सा प्रोसेस हो गया, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हमने हीट प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को या आयनाइजेशन एनर्जी को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, जिसमें हमने हीट इसको प्रोवाइड करना है। ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट, इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इसके अपोजिट है, वो हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इन दोनों को मैं कंपेयर भी करूँगा, इन दोनों को मैं एक ही स्लाइड के ऊपर लिखूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा, तो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और आयनाइजेशन पोटेंशियल इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसकी जो एनर्जी होगी उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू, इट विल ऑलवेज बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिव साइन, इसके साथ पॉजिटिव साइन मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमारे पास डेल्टा एच में क्या होगा, नेगेटिव साइन मौजूद होगा। ठीक हो गया, अब अगर मैं एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस ड्रा कर दूं और इसके इर्द गिर्द एक शेल ड्रा कर दूं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, और सेम इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाए, इसको दोबारा जब हम ले के आना चाहते हैं इसके शेल के अंदर, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एड दिस इलेक्ट्रॉन इन टू द शेल, और इस केस में एनर्जी क्या होगी, इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। पहले वाले केस में आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन इस केस में क्या होगी, इस केस में एनर्जी रिलीज होगी जब ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में एड होगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं अगर प्रॉपरली डिफाइन कर लूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाउ वी कैन डिफाइन इट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, इसमें और कोई दूसरी बात नहीं है, इट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री ट्विस्ट करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली उस केस में हमारे पास थी एनर्जी रिक्वायर्ड, इस केस में क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द outermost shell of a gaseous atom, to form gaseous negative ion. उस केस में पॉजिटिव आयन बनता था, इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को हम क्या कहेंगे, एनायन भी कहेंगे। सिमिलरली उस केस में मैंने कहा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये हमारे पास क्या है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आप इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने चाहते हैं, सो इन दिस केस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो सच प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो हमारे पास क्या थी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। अब आ जाते हैं इसकी ट्रेंड्स पे कि इन दोनों के ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, या अगर मैं पहले सबसे पहले ट्रेंड से पहले दोनों को कंपेयर करके लिख देता हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन मैं दोनों को कंपेयर करके एफिनिटी एंड नंबर टू सेकंड साइड पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में शॉर्ट फॉर्म में आयनाइजेशन एनर्जी आई ई लिख देता हूं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ई ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो क्या है कि इस केस में हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड वाली बात आएगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इस वाले केस में आयनाइजेशन एनर्जी में इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। नंबर टू, टू इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। ये हो गए दो बातें। तीसरी बात कि हमारे पास इसमें गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो गैशियस नेगेटिव आयन बनेगा या एनायन बनेगा, गैशियस नेगेटिव आयन। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास क्या है, इस वाले केस में गैशियस पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है, नंबर फोर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कहते हैं कि दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सो उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, और जब इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दीज आर बेसिकली द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप इन दोनों को इस फॉर्म में कंपेयर करके लिख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगली बार हम आ जाते हैं किस पे, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको दूसरा नाम हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी और आईई। ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करता है। लेट्स सपोज वी आर हैविंग द पीरियोडिक टेबल इन विच वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं दो चीजें बना देता हूं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास पीरियड कहलाएगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आप देख लें कि जब भी हम अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स आर एडेड कंटिन्यूसली। मतलब फर्स्ट में एक शेल होगा, सेकंड ग्रुप में दो, फिर तीसरे पीरियड में तीन, फिर फोर, इसी तरह हमारे पास इसका साइज क्या होता जाएगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा। एंड एज द साइज इंक्रीजेस द आउटर मोस्ट शेल विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस।
अब फर्स्ट वाले केस में ये शेल हमारे पास न्यूक्लियस के करीब है, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले। इस वाले केस में हमारे पास ये शेल न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड इस पे कम है। जब न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, इट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिलीज इट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट हैपन्स टू आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये हमेशा टॉप से बॉटम पे जब हम जाते हैं तो ये डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, सो द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड नंबर टू। सो इन पीरियड नंबर टू द नंबर ऑफ शेल विल ऑलवेज रिमेन टू एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, जितना भी मूवमेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड कंटिन्यूसली टू द आउटर मोस्ट शेल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। सिमिलरली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेज इनसाइड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगले केस में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगले केस में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो व्हाट हैपेंस, द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पीड से, ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। इस केस में साइज हमारे पास ज्यादा होगा, इस केस में साइज कम होता जाएगा। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, जिसका फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को स्पेयर नहीं करता, छोड़ता नहीं है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए। सो व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, विल आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी जब हम लेफ्ट से राइट पे जाएंगे। लेफ्ट पे जो भी एलिमेंट मौजूद होगा उसको कम एनर्जी चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, और जो राइट पे होगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि न्यूक्लियस का होल्ड इन पे ज़्यादा हो जाता है। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ताकि उनके ट्रेंड्स के बारे में हम डिस्कस कर लें कि व्हाट आर द ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स तकरीबन दोनों के क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अगेन वी विल गो टूवर्ड्स द एग्जाम्पल दैट एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन द पीरियडिक टेबल। सो टॉप टू बॉटम आर ग्रुप्स, लेफ्ट टू द राइट आर पीरियड्स। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि दीज आर द पीरियड्स एंड दीज आर द ग्रुप्स। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने एड करना है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय एडिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारे पास, आप खुद सोच लें कि हमारे पास अगर टॉप से बॉटम पे हम जाते हैं, उसका साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितना साइज बढ़ता जाता है तो किस वाले केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकते हैं, फर्स्ट वाले केस में जिसमें न्यूक्लियस के करीब है, या जो लास्ट वाला केस है जिसमें ये न्यूक्लियस से दूर है, इसमें स्पेस भी ज्यादा हो गई, तो इस वाले कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इस वाले में है, एक न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है, हमने बड़े स्पीड से इसको ऐड करना है, और इस वाले केस में हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट केस है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द लास्ट केस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिक्रीजेज अलोंग द ग्रुप। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो, जैसे कि हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, पिछले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी के केस में भी मैंने आपको बता दिया कि द साइज डिक्रीजेज, एंड दिस डिक्रीज ऑफ साइज इज बिकॉज ऑफ द
अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल। ऑल्दो नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं एक ही पीरियड के अंदर, लेट सपोज आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट पीरियड नंबर टू। पीरियड नंबर टू में हम लेफ्ट से जब शुरू होते हैं और राइट पे एंड पे जाते हैं तो तब भी हमारे पास शेल टू होंगे, और जो लेफ्ट पे हैं उसमें भी शेल टू होंगे, लेकिन जो लेफ्ट वाला साइज है वो ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू राइट वाले के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो जाती है जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है साइज में। सो व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। अब आप देख लो कि हमारे पास जब साइज डिक्रीज हो गया, इसमें स्पेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इजिली इसमें एड हो जाए, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर ले। और ये इलेक्ट्रॉन जब पुश होगा तो ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, ग्रुप्स में हमारे पास टॉप टू बॉटम पे ये डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। और ये भी आपके लेवल नाइन्थ और क्लास के लेवल की बात नहीं है, नाइन्थ में ये डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर पे या हाई लेवल से जब आप जाते हैं तो एक कंडीशन आ जाता है कि हमें, वैसे तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज्ड है, लेकिन हमारे पास जब हम राइट पे जाते हैं यहाँ पे साइज की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज ऑफ एनर्जी की बजाय पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, वैसे नॉर्मली तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस कंडीशन में ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब साइज कम हो जाए, लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको बता दूं कि जब हमारे पास साइज कम हो जाए एक एटम का और उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे तो उस इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ये क्या हो गई, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस बन गया। ठीक है, तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम दैट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इज एडेड सो दैट प्रोसेस विल नॉट बी एक्सोथर्मिक, दैट विल बी इन टर्न एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक बन जाएगा, और ये इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये आपके लेवल की बात नहीं है, नाइन्थ क्लास में फर्स्ट ईयर में ये चीज़ है कि फर्स्ट ईयर में हम इसको डिस्कस करते होते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक आपके लिए ये इतना काफ़ी है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर क्लियर हो चुका है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।